दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे वनडे एग्जाम क्लासेस को और बगल में लगे इस बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आपको मालूम होगा नलकूप चालक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, जो 2 तारीख होने वाला था। पेपर लीक हो गया, तो उसका तो जो लीक हुआ है पेपर, तो आपको बता दें हिंदी का तो पूरा पेपर लीक हो गया था। तो पेपर जो आपका लीक हुआ था उसमें क्या हुआ था, पेपर को निकाल करके सबसे पहले उसकी फ़ोटो कापी कराई गई थी। फ़ोटो कापी कराने के बाद उसकी फ़ोटो खींच कर तब व्हाट्सअप में वायरल की गई थी फ़ोटो। तो इसका अगर PDF बना करके वायरल किया जाता तो PDF बना कर तो हम लोग को सारे पूरा पेपर ही मिल जाता, लेकिन पूरा पेपर नहीं मिलने का कारण यह है कि फ़ोटो भेजी गई है। तो किसी के पास कोई सेट चला गया है, किसी के पास कोई सेट गया है, तो हिंदी का ज़्यादातर सभी लोगों के पास चला गया है। और टेक्निकल का देखिए, ये आपका सेट सामने है, तो आज हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और टेक्निकल का पेज ये देखिए आया हुआ है, तो टेक्निकल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरे क्वेश्चन तो नहीं आए हुए हैं, तो जितने क्वेश्चन आए हुए हैं हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। और हिंदी का मैं सॉल्व करा चुका हूँ पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। तो और पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा भी था कि टेक्निकल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ कि नहीं सॉल्व कराए जाएँ, तो सभी ने कहा था टेक्निकल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएँ। तो टेक्निकल के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें आप लोग को देख रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी बहुत लो है, लेकिन मैंने अनुमान के तहत ज़्यादातर सब सही क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसको लिख करके आपको देने का प्रयास किया है। तो मेरा प्रयास ये है कि हर संभव आपकी मदद की जाए जितनी हो सकती है मेरी तरफ से। तो हिंदी का आप लोग वीडियो पिछला देखे होंगे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके उसमें बताया था, तो आप लोग उसको ज़रूर देखेगा हिंदी वाला जा करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पेपर जो आया था आपका 1 तारीख को पेपर आउट हुआ था, तो उसके पिछले दिन मतलब 2 तारीख को पेपर होना था, 1 तारीख को पेपर आउट हुआ, तो 6:16 PM पर आप देख सकते हैं पेपर लोगों के पास व्हाट्सएप पर पहुंचना चालू हो गया था। तो ये देख सकते हैं आप 6:16 की टाइमिंग लगी हुई है इसमें, तो आप समझ सकते हैं कितने पहले पेपर आउट हो गया था, मतलब शाम ढलते ही पेपर आउट हो गया था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एक पेज आया हुआ था, किसी के व्हाट्सअप नंबर पर पेज आया जब, तो ये वाला टेक्निकल का ही पेज है। तो यहाँ पर आपने देखा UP SSC अंकित त्यागी जी ने कहा इसको भेज दीजिए चेयरमैन के नंबर पर। तो यहाँ ये 8 बजे के लगभग इन्होंने कहा कि इसको चेयरमैन के नंबर पर भेजिए क्योंकि पेपर आउट हो गया है। तो इस प्रकार चेयरमैन जी के पास ये पहुँचा और तब ये जाकर 12 बजे के करीब ये पेपर आपका कैंसिल हुआ था। तो मैंने हिंदी का सेट कराया था, तो हिंदी में भी कुछ लोगों कुछ एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई हैं। तो ये एक क्वेश्चन आपका ये था, एक करेला आप तीता दूजा नीम चढ़ा, इसमें भी किसी लोग को दिक्कत आ गई जबकि ये काफ़ी सिंपल है। तो इसमें आप लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने कहा बुरा का बुरे के संग होना, आप लोगों ने पहला कुछ लोगों ने इसका सही माना, पहला नहीं सही होगा इसका। आप लोग पढ़ते हैं किताबों में पढ़ते हैं, इंटरनेट के माध्यम से खोज कर आप देख सकते थे, अगर कोई इसको बता रहा है एक बुरे का और बुरे के संग होना तो बिल्कुल गलत बता रहा है। तो आप लोग इसको इंटरनेट के माध्यम से ढूंढ कर इसको जो मैंने बताया था वो सही है, और जो मैं कंफर्म नहीं होता हूं तो आपसे बता देता हूं कि इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो ये बिल्कुल सही है, एक बुरा दूसरा उससे भेजा था बुरा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अगर कन्फ्यूजन हो तो ये देख लीजिए, ये पूरा उसका एक्सप्लेन है, एक करेला दूजा नीम चढ़ा का एक्सप्लेन है, बुरे का और अधिक के साथ बुरा होना, एक बुराई के साथ दूसरी बुराई को जुड़ जाना, तो ये है उसका एक्सप्लेन। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, तो इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो समस्या थी वो इस क्वेश्चन के ऊपर थी, मैंने आपसे इसका पूछा हुआ था कि इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा हो तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, देते कि इसमें फुल स्टॉप किसी में नहीं लगा हुआ है, तो फुल स्टॉप की कोई चर्चा नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका ये था, आप लोग इसमें अच्छे से देख पाएंगे इस कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं अर्थात अशुद्ध वाक्य चुनना है। तो पहला वाला तो देखिए सही है, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। अब मैंने बताया था आपको अपनी आप लोगों की राय पूछी थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, इसमें पंछी में ऊपर अंक की मात्रा नहीं लगी हुई है, तो आपका ये भी कहना सही है। और क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए आप लोग, पंछी में अंक की मात्रा नहीं लगी हुई है यहाँ पर, तो क्वेश्चन पेपर भी नहीं लगी हुई है। तो ये हाँ एक ये सोल्यूशन हो सकता है, बी नंबर हो सकता है इसका आंसर। और किसी बहुत से लोगों ने चौथा भी कहा, चौथा में ये कहा गया कि हत्यारे को मृत्युदंड की सज़ा हुई, कुछ लोगों ने कहा कि ये सज़ा जो है यहाँ पर ये नहीं लगी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि मृत्युदंड एक सज़ा ही होती है, तो इसमें बन सकता है हत्यारे को मृत्युदंड हुआ ये हो सकता है, हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया ये हो सकता है। तो इसमें अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो आंसर तो इसके आने नहीं है, पेपर लीक हो गया है तो अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है, पेपर ये तो आएगा नहीं, रिपीट भी नहीं होगा पेपर पूरी तरह से। अब तो लगातार बात चर्चा चल रही है कि अलग अलग इसके सेट बनेंगे, तो
तो इसको चर्चा कहीं समाप्त करते हैं। अगर आपके आपको लगता हो कि आप इसका अच्छे से विस्तार पूर्वक इसका आंसर दे सकते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा इसका आंसर। तो हम लोग आज ट्रेड के क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे, जो पेपर आउट हुआ था ये पेपर है उसका टेक्निकल का, तो हम लोग आज इसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं टेक्निकल के पेपर के। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था, कौन सा कंडक्टर नहीं है। कंडक्टर का अर्थ समझ लीजिए, कंडक्टर का मतलब होता है जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है उसको कहते हैं कंडक्टर, और जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसको कहते हैं जो कंडक्टर नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं तांबे का तार तो होता है, तांबे के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, एल्यूमिनियम का तार होता है, इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और सोना चांदी तो बहुत ही ज़्यादा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये माइका है, इसमें आंसर है आपका माइका। माइका इंग्लिश शब्द है, इसका अर्थ आप समझ लीजिए कि एल्यूमिनियम होता है, वो अभ्रक होता है। तो अभ्रक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो अभ्रक जो है आपका ऊष्मा का कुचालक होता है, और इसी गुण के कारण इसे व्यापारिक महत्व दिया जाता है। इसे विद्युत रोधी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, और जैकेट के रूप में भी इसका इसका आवरण बना दिया जाता है, जिससे कि ये विद्युत में अगर हम जाएँ या फिर ऊष्मा में जाएँ तो अभ्रक की अगर हम जैकेट पहन के जाते हैं तो हमें आग से बचाव लगेगा और हमें करंट भी नहीं लगेगा। तो माइका यहाँ पर कंडक्टर नहीं है, इसका सही आंसर माइका होगा। तो ये पीडीएफ के रूप में मैं आपको दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था टेलीग्राम चैनल से आपको किस प्रकार से जुड़ना है, और मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं आपको हिंदी का भी पीडीएफ और ये जो टेक्निकल का पीडीएफ है ये सब भेज दूंगा आपको। तो आज या शाम तक या कल सुबह तक मैं इसका पीडीएफ जल्दी ही भेज दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, तो इसका पीडीएफ मैं उसमें आपको भेज दूंगा। तो माइका है इसका आंसर। आप जानते हैं अभ्रक, अभ्रक में भारत का प्रथम स्थान है, उत्पादन है प्रथम स्थान है अभ्रक का। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए आपका क्या है कि ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए कुछ सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आए हुए हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्राइंडिंग करते समय आँखों के का क्या प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं और यही क्वेश्चन आगे के क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। तो इसमें आप लोगों को स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने बताया था कि मुझे हाथ से लिख के बनाना पड़ेगा, तो काफ़ी मेहनत की मैंने आप लोग के लिए। तो आप लोग का काम है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, बस आपका वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही दो के कारण हम लोग का मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा हो सकता है दें। तो यहाँ पर ग्राइंडिंग करते समय आँखों के बचाव के लिए कुछ सुरक्षा साधन का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आंसर आपका होगा। देखिए ग्राइंडिंग देख लीजिए, ग्राइंडिंग क्या होता है, ग्राइंडिंग ये होता है और इस प्रकार से जब पिसाई होती है या कटाई किस चीज़ की होती है तो उन किरणों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक चश्मे का प्रयोग करते हैं, वो चिपिंग चश्मा होता है, वो चिपिंग चश्मा इसमें ऑप्शन होगा। तो आप लोगों को एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो मैथमेटिक्स हुआ है, तो मेरा टेक्निकल से कोई संबंध नहीं है। फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन को इंटरनेट के माध्यम से सॉल्व करके लाया हूँ, और प्रयास मेरा यही है कि मेरे ज़्यादातर आंसर सही होंगे। अगर किसी को लगता है कि किसी के आंसर में आपको डाउट है तो उसका पूरा व्याख्या सहित मुझको आंसर बताइएगा, ताकि सभी लोग स्पष्ट रूप से समझ सकें। और जब आप स्योर होंगे तभी इसको बताइएगा कि आप इसमें आपको क्या लगता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, और अब क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं मिला हुआ, जितने क्वेश्चन मिले हुए हैं उतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, और पैटर्न को आप समझते जाइए किस चीज़ में क्या चीज़ फोकस कर रहा है। तो इसमें चिपिंग चश्मे इसमें आंसर होगा। और देख लेते हैं, जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती है ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या होता है। तो जैसे जैसे आर्क की लंबाई बढ़ती, तो देख लेते हैं इसको, ये यहाँ पर मैंने सोल्यूशन दिया है, तो यहाँ पर इंग्लिश से लिखा हुआ, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। ए स्लाइट इंक्रीज इन आर्क लेंथ, जैसे कि आर्क लेंथ बढ़ती है, विल कॉज एन इलेक्ट्रिक इन आर्क वोल्टेज इंक्रीज। देखिए यहाँ पर जो वोल्टेज होता है वो आपका इंक्रीज होता है, बस यही पूछ रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं, और जैसे ही आर की लंबाई घटाई जाती है वैसे ही आपका जो वोल्टेज होता है वो घट जाता है। तो सीधा सीधा आंसर यहीं से आपका निकल के चला आता है कि जैसे जैसे आर की लंबाई बढ़ती है वोल्टेज ही बढ़ जाएगा, और जैसे ही आर की लंबाई घट जाएगी वैसे ही आपका वोल्टेज जो है यहाँ पर आपका घट जाएगा। तो आप लोग इसका ए ऑप्शन सही कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ तक आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं।
देखिए, आर की बिल्डिंग से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग आर का ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़िएगा। और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने वाली आर्क होती है, तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में प्रयोग की जाने जो आर्क होती है आपकी, वो होती है लो वोल्टेज की और हाई करंट डिस्चार्ज की आपकी होती है, तो उसका सी नंबर है। तो इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। तो लो वोल्टेज और हाई करंट की आपकी डिस्चार्ज होती है, तो आप लोग इसमें सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ तक आपके चार क्वेश्चन हो जाते हैं। अब देखते हैं, देखिए फिर आर्क वेल्डिंग के क्वेश्चन आ गए। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत है, तो यहाँ पर जो ताप का स्रोत होता है वो करंट होता है, करंट होती है, एसी या डीसी करंट दोनों भी इसमें इसकी ताप की जो स्रोत होती हैं वो होती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की। एक सर्किट में करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करने वाले टर्म को कहते हैं, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एम्पियर कहते हैं। अब बहाव की मात्रा को, करंट की बहाव को मात्रा को एम्पियर में नापते हैं, आप सभी को मालूम है। तो ये क्वेश्चन सरल था, लेकिन टेक्निकल का क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बने हुए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपके, फिर हम इसके बाद बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की। ये थोड़ा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो लेकिन मैं इसको आपके लिए लिख कर लाया हूँ, तो आपको काफ़ी स्पष्ट उसमें और दिखाई पड़ेगा। तो ये एक पेज आया हुआ था, आप देख सकते हैं इसको। तो इसके बाद हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में किसका उपयोग तापमान के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो देखिए, तापमान के मापन के लिए जिसका प्रयोग होता है वो होता है, देखिए, पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है, और थर्मिस्टर का प्रयोग भी किया जाता है ताप को मापने के लिए। एक देखिए गीजर है, गीजर आप सभी जानते होंगे, गीजर का जो उपयोग किया जाता है वो पानी को गर्म करने किया जाता है। आप सभी लोगों, कुछ लोगों के घरों में गीजर लगा होगा, तो आप जानते हैं सिलेंडर की मदद से, गैस सिलेंडर से भी गर्म किया जाता है, और भी माध्यम होते हैं, गीजर पानी गर्म करता है, इलेक्ट्रिक माध्यम भी सब तरह से, तो पानी को गर्म करने से किया जाता है, उसको तापमान मापने पर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें गीजर ऑप्शन आपका सही होगा, तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा, तो आप लोग इसमें बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, तो यहाँ तक आपके क्वेश्चन देखिए हो जाते हैं कि तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आपका गीजर सही हो जाएगा, ये आपका बी नंबर है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत जो आपका कर्मचारी की उम्र की बात करते हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत वयस्क कर्मचारी की उम्र क्या है? तो फैक्ट्री एक्ट जो 1948 आया था, वयस्क कर्मचारी की बात हुई थी, तो उसमें एज आपकी 18 बताई गई थी कि 18 साल का जब वयस्क कर्मचारी हो जाएगा तभी उसको फैक्ट्री में कार्य करना है। और फैक्ट्री एक्ट 1948 देख लीजिए, यूरी एडल्ट, एडल्ट मतलब होता है वयस्क, ए पर्सन हु हैज़ कम्प्लीटेड 18 ईयर्स ओल्ड, अगर वो 18 साल का है तो फैक्ट्री एक्ट में ये कहा गया था कैन नॉट वर्क, 48 घंटे से ज़्यादा वो कार्य नहीं करेगा, और ना ही 9 घंटे से ज़्यादा किसी एक दिन कार्य करेगा, सप्ताह में 48 घंटे और 9 घंटे से ज़्यादा उसको कार्य नहीं कराया जाएगा। तो ये फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया हुआ था कि मैक्सिमम जो वयस्क कर्मचारी की एज है वो 18 साल होगी। ठीक, यहाँ तक आप कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं ILO के विस्तार का रूप पूछा गया था, तो ILO आप सभी लोग जानते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इसको हिंदी में कहते हैं, तो आपका ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें इंटरनेशनल का और कि इसको थोड़ा ब्यौरा देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और राय गाइडर इसके हेड हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं राय गाइडर इसके हेड हैं। और फार्मेशन जो हुआ था इसका 29 अक्टूबर 1919 को हुआ था, 98 साल आज से हो जा रहे हैं, तो काफ़ी पुराना है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ तक आपके 9 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। एक काइजेन का अर्थ पूछा गया था, तो काइजेन देखिए, एक काइजेन एक जापानी शब्द है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काइजेन का शब्द, काइजेन का मतलब होता है बस सुधार, जिसका कोई निहित अर्थ निरंतर या जापानी दर्शन नहीं है। यह शब्द किसी सुधार को सूचित करता है, एक समय में या निरंतर या बड़ा या छोटा या उसी के संदर्भ में। देखिए इसका अर्थ होता है इम्प्रूवमेंट, ये जापानी शब्द है, तो देख लीजिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें निरंतर सुधार इसका डी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ तक आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाते हैं। अब हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन देखिए आया था, यदि किसी डीसी मोटर की सप्लाई को टर्मिनल्स को आपस में बदल देंगे, तो इसमें देखिए मोटर की जो घूर्णन गति होती है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और वो आंसर इसका सी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और आपका सी आंसर होगा, मोटर की घूर्णन दिशा वही होगी। तो ये 11 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके। और इसके बाद हम बात करते हैं
तो निम्नलिखित में से कौन सा टेम्परेरी जॉइंट है? देखिए टेम्परेरी मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई जॉइंट है। तो अस्थाई जॉइंट और स्थाई जॉइंट की बात करते हैं, परमानेंट जॉइंट और आपका टेम्परेरी जॉइंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल, आप दी आपके परमानेंट जॉइंट जो हैं आपके, वो परमानेंट जॉइंट में आपकी वेल्डिंग आती है, वेल्डिंग से हम लोग परमानेंट जॉइंट करते हैं, ब्रॉन्जिंग आती है एंड सोल्डरिंग आती है और रिवेटिंग आती है, और ये आपके आते हैं कपलिंग आती है। तो इस प्रकार से आपके आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी टेम्परेरी में होता है उसमें फास्टरन्स आता है, प्रेस फिट आता है, क्वार्टर जॉइंट्स आती है। तो यहाँ पर अपने ऑप्शन की ओर हम चलते हैं, इसमें क्या पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से टेम्परेरी जॉइंट है? तो ये देखिए वेल्डिंग, रिविटेड और शोल्डर, ये होते हैं आपके, आपका जो बता दें ये टेम्परेरी नहीं होते हैं, ये स्थाई रूप से होते हैं, परमानेंट है सोल्यूशन है किसी भी चीज़ का। तो अगर वेल्डिंग होती है, रिविटेड होता है, शोल्डर करते हैं तो हम ये इसमें स्थाई हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रेस फिट जॉइंट, ये आपका अस्थाई होगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेस फिट, ये आपका अस्थाई था। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से। अब बात करते हैं रिवेट के हेड के विपरीत सिरे को क्या कहते हैं। तो आप लोग टेक्निकल के हैं तो आप लोग इसको जानते होंगे अच्छे से। तो इसको कहते हैं रिवेट के हेड के विपरीत सिरे को टेल कहते हैं, ये सभी को आपको मालूम होगा। तो देखिए इतने क्वेश्चन मिल पाए हैं, दो पेज आए थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितने पेज इसमें से वायरल हुए हैं तो इतने ही पेज आए हैं। एक ये पेज आया था और एक ये पेज आया था, तो इसमें से जितने 13-14 क्वेश्चन मिले हैं मुझको, तो उसको मैंने आपको सॉल्व कराने की कोशिश की है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाइएगा, और मेरी प्रयास यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी सहायता कर सकते हैं करें। तो अब आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहिएगा कि सर पूरा पेपर हल कराइए, जितना पेपर आया है मैंने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया आपके लिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता सकते हैं, अगर आप किसी आंसर से संतुष्ट नहीं हैं तो उसकी पूरी व्याख्या करके बताइएगा और पूरी सोटी से बताइएगा कि आप इसमें क्या आपका सही है आंसर हो सकता है। तो आप लोग क्या क्या करना है, जो लोग नए हैं उन लोगों को करना क्या है, मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते होंगे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता होगा, तो उसको दबा देंगे सब्सक्राइब के बटन को, तो ये लाल बटन आपका काला हो जाएगा, ये बटन आपका, तो यहाँ से चैनल हमारा सब्सक्राइब हो जाएगा। और उसके बाद अगर बेल आइकन आपकी इस प्रकार से बेल आइकन हो तो उसको दबा दीजिएगा बेल आइकन को। जब आप बेल आइकन को ऐसे दबाएंगे तो बेल आइकन आपकी देखिए ऐसे हो जाएगी बेल आइकन। तो यहाँ से आपकी बेल आइकन जब ऐसे हो जाए, चैनल ऐसे हो जाए, तो आप मान लीजिए कि चैनल सब्सक्राइब है। तो जब मेरे पास मान लीजिए अगर वायरल हो गया है पेपर, फिर से अगर कोई प्रति आती है तो एग्ज़ाम के पहले अगर टेक्निकल कोई सवाल आते हैं या मैथ के सवाल आते हैं, हिंदी तो पूरी सॉल्व हो गई है और टेक्निकल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, कुछ बचे हैं, तो जैसे ही आएंगे मैं वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरा प्रयास यही है कि आपको जितनी संभव मदद हो सकती है मैं कराया हूँ, मैं मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया हूँ आपको बता दें, और टेक्निकल से मेरा ज़्यादा कुछ संबंध नहीं है, फिर भी टेक्निकल क्वेश्चन मैंने आपको ज़्यादातर सही कराने का प्रयास किया है। तो इसको मैं आपको PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जो एरो बनी हुई है यहाँ पर, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। तो लिंक दे दूंगा तो आप टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर जाके पहुँच जाएंगे वनडे एग्जाम क्लासेज में। देखिए काफ़ी लोगों ने कल इसको ज्वाइन कर लिया है, पहले 44 लोग थे, आज 89 लोग हो गए हैं। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा जल्दी। मैं हिंदी का PDF और आपका जो ये टेक्निकल का आपका ये है, इसको आप मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको भेज दूंगा। तो आप लोग इसको टेलीग्राम चैनल पर वनडे एग्जाम क्लासेस भी सर्च कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं PDF भेज देता हूँ जो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, या फिर आप यहाँ पर से आप टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा और आपको ये आपका PDF मैं आज शाम तक या कल सुबह तक इसको भेज दूँगा। तो आप लोग बस जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ में, और इसी तरह बस आप लोग मेहनत करते रहिए, और अगला वाला पेपर आपका अच्छा होगा, क्योंकि आप कुछ पेपर मालूम चल गए हैं, पैटर्न मालूम चल गए हैं। तो पैटर्न मालूम चल गए हैं तो पेपर भी हम लोग का अच्छा होगा। और कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे वनडे एग्जाम क्लासेस को और बगल में लगे इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि सभी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचें।